डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित, और मैं आपके प्यारे पांडे सर। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो है ट्रस जो हमने आपको पढ़ाया था लेक्चर नंबर 21 में, ठीक है ना, वहीं से शुरू हुआ था। तो ट्रस के बारे में काफ़ी कुछ बताए थे, और एक मिनट जस्ट हम ट्रस का थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे करके आगे बढ़े। तो ट्रस में हमने बताया था कि इसकी एप्लीकेशन जो है, जैसे कहीं गोडाउन देखते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म देखते हैं, वहाँ पर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखता है, ब्रिज देखते हैं, खास करके रेलवे ब्रिज जो पूरी तरह से मेटालिक बॉडी की बनी होती है, लोहे की बनी होती है। तो ये सब जो है एग्जाम्पल है किसका, ट्रस का। इसमें हमने मेंबर ज्वाइंट टाइप ऑफ ट्रस लेक्चर नंबर 21 में हमने बताया था, फिर लेक्चर नंबर 22 में ग्राफिकल मेथड बताए थे, और लेक्चर नंबर 23 में एक मेथड बताए थे, दैट इज कॉल्ड मेथड ऑफ ज्वाइंट्स। कहने का मतलब क्या है कि जिस समय आपको ट्रस पढ़ा रहे थे उसी समय बताए थे कि ट्रस में दो तरह का प्रॉब्लम आता है, एक तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व हो सकता है, दूसरा एनालिटिकल मेथड से। और एनालिटिकल मेथड भी दो मेथड से सॉल्व हो सकता है, या तो मेथड ऑफ ज्वाइंट से सॉल्व होगा या मेथड ऑफ सेक्शन से सॉल्व होगा। तो मेथड ऑफ ज्वाइंट से हम लोगों ने पिछले क्लास में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम उसी क्वेश्चन को आज हम लोग मेथड ऑफ सेक्शन से सॉल्व करके बताएंगे। देखिए, थोड़ा सा मेथड ऑफ जो है ज्वाइंट को दो मिनट देखें। तो देखिए, ये कोई आपका ट्रस है, ठीक है ना, इसमें करते क्या है, कोई भी ट्रस है सबसे पहले सपोर्ट रिएक्शन निकाल लेना है आपको, और पर्टिकुलर ज्वाइंट को, जैसे मान लीजिए आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा मेथड ऑफ सेक्शन, ये आपका क्या है, कोई ट्रस है, ठीक है। अब देखिए ट्रस मतलब क्या, ट्रस्ट, ये हमने एक जो है जनरल भाषा में आपको बताया था कि ट्रस मतलब क्या, ट्रस्ट। तो आपको थोड़ा सा मेरे ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा कि ये मेथड ऑफ सेक्शन से आसान मेथड ऑफ ज्वाइंट्स था, ठीक है। आपको यदि ऑप्शन नहीं देता है तो आप तो मेथड ऑफ ज्वाइंट से ही बनाइएगा, और इसी को मेथड ऑफ सेक्शन भी कहते हैं, और इसी को मेथड ऑफ मोमेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए, ये कोई आपका जो है ट्रस है, और यहाँ पर ये सपोर्ट लग रहा है, और यहाँ पर ये लोड लग रहा है, ठीक है। अब करना क्या है आपको, इसमें सेक्शन में हम बांट लेते हैं। मान लीजिए कि ये क्या है आपका, ए बी और सी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका क्या, आर ए, और ये क्या हो गया, आर बी, और ये लोड डब्लू दिया हुआ है, ठीक है। अब ज्वाइंट वाले में क्या करते थे, ये मान लीजिए कि मेंबर हुआ 1 2 3, और ये ज्वाइंट हो गया ए, ये बी और सी, ध्यान से समझिएगा। तो हम क्या बताए थे आपको कि ज्वाइंट वाले में एक ज्वाइंट हम पकड़ेंगे, मान लीजिए ए, उसके बाद इनमें फोर्स देखते हैं, एक इधर और एक इधर, ये हम अपने सुविधा अनुसार कोई भी डायरेक्शन ले लेंगे। बाद में जब आंसर आएगा, यदि पॉजिटिव आया तो हम जो माने थे इसका मतलब सही है, नेगेटिव आ गया मतलब हम जो माने थे उसके ठीक उल्टा मानना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जब आप निकाल लेते हैं, इसके बाद आती है बारी हमारी कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए, इसमें दो ही कॉन्सेप्ट आता है कि टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स को जीरो कर दीजिए और टोटल वर्टिकल फोर्स को जीरो कर दीजिए। तो ये हमने आपको बताया था कि जब भी आप ट्रस का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एक एक ज्वाइंट को पकड़िए, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, सबसे पहले क्या, फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, उसके बाद दूसरा है इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो जब इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है बनाते हैं, तो उस आधार पर अब क्या करते हैं हम कि ये टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स को जीरो करते हैं और टोटल वर्टिकल फोर्स को जीरो करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इससे ये तो आपको नॉन हो जाता है। अच्छा, ये कैसे निकालते हैं सपोर्ट रिएक्शन, अगेन इक्विलिब्रियम से। तो जब सपोर्ट रिएक्शन निकालते हैं तो डायरेक्ट हम निकाल लेंगे, जैसे यहाँ पर अभी निकालेंगे तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू डब्लू, एक इक्वेशन, और दूसरा मोमेंट ले लेंगे आर बी इंटू क्या, डिस्टेंस, ये जो भी डिस्टेंस होगा इक्वल टू ये डब्लू और इंटू जो भी ये डिस्टेंस होगा मिड पॉइंट से। तो इससे आपको ये निकाल लेना है, तो ये तो नॉर्मल है। अब जो कोई भी, अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब थर्ड कंडीशन जब आता है
कि जब नंबर ऑफ फोर्सेस यहाँ पर ज्यादा होते हैं, मेंबर्स ज्यादा होते हैं, तो दो इक्वेशन से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाता है, ठीक ना। तो एक इक्वेशन यहाँ और लेना पड़ता है, और वह इक्वेशन कोई और नहीं बल्कि टेकिंग मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। मोमेंट किसी भी पॉइंट के अबाउट क्या ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं, ठीक है। तब जो है हमारा ये क्या हो जाता है, ये जो है आपका क्या हो जाता है, मोमेंट को आपने अप्लाई किया, इसीलिए इसको मेथड ऑफ मोमेंट भी कहते हैं। अब इसमें करते कैसे हैं, जैसे जैसे ज्वाइंट है हम इसको बांट लेते हैं किसमें, सेक्शन में, किसमें बांट लेते हैं, सेक्शन में। जैसे देखिए इसको हम एक सेक्शन मान लेंगे, इधर एक सेक्शन हो गया, बट गया कि नहीं, ये भी हम मान सकते हैं। तो इस तरह से आप ध्यान देंगे तो ये जो है सेक्शन आपका एक हो गया, ये एक नंबर सेक्शन हो गया, इसको आप दो नंबर सेक्शन मान लीजिए, और ये जो है आपका तीन नंबर सेक्शन हो गया। सेक्शन के इस पार और इस पार दो चीज है, ध्यान से समझिएगा। अब हम मेथड ऑफ सेक्शन में देखते हैं, तो ये अब ज्वाइंट ए पकड़े, तो ये तो एक ऊपर में है ही आपका आर, और ये जो है एक इधर है आपका और एक इधर है कि नहीं। तो यहां पर ध्यान दीजिए, अब यहां पर ये हो गया, दूसरा आप सेक्शन पकड़ेंगे, तो अब यहां पर क्या करते हैं हम लोग कि मोमेंट लेते हैं, क्या लेते हैं, मोमेंट लेते हैं, एक बार इसके लिए लेफ्ट साइड वाले के लिए और एक बार राइट साइड के लिए। ये अभी हम एक न्यूमेरिकल करके आपको बताएंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। दैट मीन्स कि दिस मेथड इज कन्वीनियंट ओनली व्हेन द फोर्सेस इन फ्यू मेंबर्स ऑफ ए फ्रेम आर रिक्वायर्ड टू बी फाइंड आउट। कोई एक मेंबर में निकालना है या मेंबर बहुत ज्यादा है। इन दिस मेथड वी टेक ए सेक्शन लाइन फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रू द मेंबर इन विच फोर्सेस आर रिक्वायर्ड टू बी फाउंड आउट एज पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑन एनी साइड ऑफ द सेक्शन लाइन इज देन ट्रीटेड एज फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्सेस को कैलकुलेट करेंगे और अननोन फोर्स आर देन फाउंड विद द हेल्प ऑफ टेकिंग मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू जीरो। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट व्हाइल ड्रॉइंग ए सेक्शन लाइन केयर शुड बी टेकन नॉट टू कट मोर देन थ्री मेंबर्स इन विच द फोर्सेस आर नॉन। एक चीज आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जैसे मेथड ऑफ ज्वाइंट में आप बताए थे कि अननोन शुड नॉट बी मोर देन टू, ऐसे ऐसे ज्वाइंट को पकड़ना है वन बाय वन। यदि दो से ज्यादा अननोन है तो वहां मेथड ऑफ ज्वाइंट को स्किप करके या तो दूसरा मेथड लगाए या कोई दूसरा ज्वाइंट पकड़े जहां दो ही अननोन है। ठीक उसी तरह से सेक्शन में भी जो है थ्री मेंबर्स इन विच थ्री अननोन, तीन से ज्यादा अननोन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तभी तीन इक्वेशन से तीन अननोन निकालेंगे। ठीक है, अब आइए बिना समय गंवाए अब हम आते हैं कहां पर, एक न्यूमेरिकल पर। ये न्यूमेरिकल सेम एज इट इज हमने सॉल्व किया था कहां पर, बताइए, मेथड ऑफ ज्वाइंट्स में, जहां आप जा करके देख सकते हैं। ये हमने आपको दिखाए थे कि ये जो है मेथड ऑफ ज्वाइंट से हमने सॉल्व करके हर एक मेंबर का फोर्स निकाला था। आज निकालेंगे मेथड ऑफ सेक्शन से, फोर्स वही का वही आएगा, फोर्स में कोई अंतर नहीं आएगा। इन बच्चों का नामकरण कर लें, ये जो है आपका आर ए हो गया, ये क्या हो गया आर बी हो, आर डी माने थे, जो हम मेथड ऑफ ज्वाइंट्स में माने थे वही यहाँ भी मान रहे हैं, ए बी सी डी, और इसको मान लेते हैं क्या ई। ठीक है, इसको मान लेते हैं क्या ई। अब इसमें सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सपोर्ट रिएक्शन निकालेंगे। सपोर्ट रिएक्शन निकालने के पहले भी हमने आपको बताया था कि जैसे ये है आपका, तो ये एक डिस्टेंस लेना पड़ेगा ना मोमेंट निकालने के लिए, ये मान लीजिए क्या है बी डैश। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना होगा दोस्तों, 60 है तो ये भी क्या होगा, 60 होगा कि नहीं बाय डिफॉल्ट। यहाँ से आप निकालेंगे ये क्या आएगा, मिड पॉइंट पे आएगा कि नहीं, ये सी डैश। तो सबसे पहले आप देखिए आर ए प्लस आर डी, ये ऊपर की ओर जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कैलकुलेटर जरूर रखिएगा, क्लास में तो आप मोबाइल से कर लेते हैं, क्लास में आप मोबाइल से कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में तो यही वाला साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए अपने को। ये टोटल लोड कितना लग रहा है, 5 किलो न्यूटन और प्लस 2.5 किलो न्यूटन, ये इक्वेशन नंबर वन हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, देखिए आर डी, ये क्या हो गया आर डी, ये क्या हो गया आर ए,
तो आर डी इंटू ये एंटी क्लॉकवाइज, तो टोटल कितना हो गया 12 इक्वल टू ये 2.5 इंटू कितना होगा ये 6 और ये कितना हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आधा आधा मतलब 6 प्लस कितना हो गया 3 प्लस ये 5 किलो न्यूटन तो 5 ये डिस्टेंस कितना होगा ए डैश बी डैश ए बी डैश। तो इसको निकालने के लिए कहाँ रफ में निकालने की यही निकाल देते हैं ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये ध्यान दीजिए तो ये ए बी ई ये 30 है 60 है तो कितना हो गया 90। इस ए बी को पहले निकालिए क्योंकि ए ई मालूम है 6 तो ए बी कितना हो जाएगा दोस्तों ये ट्रायंगल हो गया आपका ये मान लीजिए ए ये मान लेते हैं बी तो ये क्या हो गया ई ऊपर और ए ई कितना दिया है 6 और ए बी निकालना है आपको और ये एंगल कितना हो गया ए से ई वाला ए से ई वाला और बी वाला 30 डिग्री। ठीक है तो यहाँ पर कॉस 30 डिग्री कितना हो जाएगा ए बी अपन क्या 6 ए बी कितना हो गया दोस्त 6 कॉस 30 हो गया ए बी। आपको निकालना क्या है अभी ए बी डैश तो ये आपने परपेंडिकुलर गिराया ना डिस्टेंस लेने के लिए 30 90 ये कितना हो गया 60। तो अब फिर से एक ट्रायंगल बनाइए दिस दिस और दिस ये क्या हो गया आपका ए बी डैश और बी डैश और बी। तो आपको चाहिए क्या ए बी डैश निकालना है और ए बी मालूम है ठीक है ए बी आप निकाले हो ना अभी आप ए बी कितना निकाले 6 कॉस 30 ये क्या हो जाएगा 6 कॉस 30 6 कॉस 30 का वैल्यू निकाल लीजिए आप 6 कॉस 30 देखिए 5.19 आ रहा है आपके सामने है। ठीक है 5.19 इसको हम सीधा रखते हैं 5.19 तो ये ए बी डैश और ये कितना है 30 डिग्री तो अगेन कॉस 30 जो है कितना हो जाएगा ए बी डैश अपन ए बी मतलब 5.19 ए बी डैश इक्वल टू 5.19 कॉस 30 डिग्री 5.19 कॉस 30 कितना निकला देखिए 4.5 निकला। ठीक है ना ये कितना निकला 4.5 तो ये 5 इंटू कितना हो जाएगा ये 5 और ये डिस्टेंस कितना हो गया अब 4.5। यहाँ से आर डी निकल जाएगा दोस्त आपका यहाँ से क्या निकल जाएगा आर डी यहाँ से आप सॉल्व करके देखेंगे ठीक है ना विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो यू विल गेट हियर 3.75 ये एक निकला। जब आर डी निकल गया तो आर ए निकाल सकते हैं यहाँ से तो आर ए भी आप निकालेंगे तो ये टोटल कितना आ रहा है 7.5 में 3.75 गया तो कितना बचा 3.75। तो आर ए और आर डी निकल गया आपका इसका काम हो गया तमाम। अब आ जाए हम लोग कहाँ पर मेथड ऑफ सेक्शन इसमें लगाते हैं ठीक है ना क्या लगाते हैं मेथड ऑफ सेक्शन। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इस डायग्राम में अब हम किसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसको हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम जो है इसको ब्रेक कर रहे हैं ध्यान दीजिए यहाँ पर जो सेक्शन लेंगे एक सेक्शन तो ये हम ले सकते हैं इसको जिससे कि ये ज्वाइंट ए पकड़ा जाएगा ये सेक्शन वन ठीक है ना एक सेक्शन इसका ले सकते हैं इसको ब्रेक करने के लिए ये सेक्शन टू अभी हम लेकर के बताएंगे एक एक सेक्शन टू एक ये ई के लिए यहीं से तो ये हो जाएगा सेक्शन थ्री इससे ये निकल जाएगा उसके बाद ये निकल गया तो बचा क्या ये बचा एक ये सेक्शन ले लीजिए फोर देयर आर फोर सेक्शन इफ यू हैव टू फाइंड फोर्सेस इन ऑल द मेंबर देन यू विल नीड टू टेक फोर सेक्शन अदरवाइज सपोज कीजिए कि आपको सिर्फ इसमें निकालना रहता है मेथड ऑफ सेक्शन से तो सिर्फ इस सेक्शन को लीजिए सब लेने की जरूरत ही नहीं है ठीक ना। तो अब देखिए अब यहाँ पर सेक्शन वन जो हम लेते हैं सेक्शन वन लेते हैं तो देखिए तो यहाँ पर यही है ना ये ए है ठीक ना ये फोर्स क्या हो गया फोर्स ए ई है कि नहीं फोर्स ए ई और ये हो गया आपका क्या फोर्स ए बी और ये क्या हो गया आपका आर ए का वैल्यू कितना निकला था 3.75 और यहाँ पर जो सेक्शन आपने लिया है वो कौन सा लिया है यही लिया है कि नहीं ले सकते हैं
ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पर अब जो है सबसे पहले क्या करते हैं, एक लेफ्ट पार्ट बचा, एक राइट पार्ट बचा, ठीक ना। तो नाउ जस्ट वी टेक द मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग टू द लेफ्ट सेक्शन अबाउट द ज्वाइंट। कौन से ज्वाइंट का, ये एक तो ई साइड में है ठीक ना, और एक लेफ्ट साइड में। तो हम यहाँ क्या कर लें कि ई के अबाउट ठीक ना हम मोमेंट ले लेते हैं, क्या लिखेंगे, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ई, टेकिंग मोमेंट अबाउट ई, टेकिंग मोमेंट अबाउट ई। तो जब मोमेंट ई के अबाउट आप लेते हैं, ई के अबाउट मोमेंट लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, ये 3.75 इंटू कितना डिस्टेंस है, टोटल 6, ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। उसके बाद ये ए से बी, ए बी का दो कंपोनेंट होगा, होगा कि नहीं, ए बी का दो कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। इसका हॉरिजॉन्टल तो ई से क्रॉस हो रहा है और ये एफ ए ई भी इसी से क्रॉस हो रहा है, तो इसकी जरूरत नहीं है। वर्टिकल कंपोनेंट देख लीजिए, वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका, ये एफ ए बी क्या साइन 30, दैट मीन्स कि प्लस एफ ए बी इंटू साइन 30, और डिस्टेंस कितना है ये 6, 6 साइन 30 इक्वल टू क्या हो गया 0। यहाँ से आप एफ ए बी निकल सकता है, एफ ए बी जो निकलेगा यहाँ पर क्या निकलेगा, देखिए -7.5 निकलेगा। दैट मीन्स कि ये एफ ए बी जो है निकला आपका कितना, -7.5। एक देखिए टेबल बना करके भी आप सारे फोर्सेस को लिख सकते हैं, मैं तो यहाँ पर सिंपल लिखते जा रहा हूँ अपनी सुविधा के लिए, ठीक ना। तो ये एफ ए बी निकल गया, ठीक ना, यहाँ पर निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि बेसिकली इट इज द कंप्रेशन, ठीक है। ये एफ ए ई यहाँ से नहीं निकल सकता है कि मोमेंट लेकर के हम निकाल ले आसानी से, बिल्कुल नहीं निकलेगा, क्योंकि क्योंकि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कि ये ई सेक्शन से, ई पॉइंट से ही पास हो रहा है, ठीक है। अब हम जो है इसी में हम जो है इसी के लेफ्ट पार्ट से हम देखते हैं, ठीक ना। तो हम लोग जो है मोमेंट ले सकते हैं, ठीक ना, अबाउट ई का ही, ठीक ना, अबाउट ई का ही हम मोमेंट ले सकते हैं। तो पी ए ई, अब हम जो है बी के अबाउट, बी पॉइंट इसमें शामिल है, तो हम यदि बी के अबाउट मोमेंट लेना चाहें तो क्या ले सकते हैं, क्या, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पी ए ई का निकालना है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, टेकिंग मोमेंट ए ई निकालने के लिए, टेकिंग मोमेंट अबाउट क्या, टेकिंग मोमेंट अबाउट बी, इस बी के अबाउट जो है मोमेंट ले रहे हैं, ठीक है ना, टेकिंग मोमेंट अबाउट। अब यहां पर क्या हो जाएगा, एफ ए ई डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस बी से बी डैश, बी से बी डैश आप कैसे निकाल सकते हैं, देखिए यहां पर ये निकाले हैं ना बी से बी डैश, तो ये आपको लाइन मालूम है 5.19 इंटू ये क्या हो जाएगा साइन 30 हो जाएगा। तो यहां पर हम वही चीज लेंगे, यहां पर 5.19 इंटू साइन 30 क्या हो जाएगा, आप निकाल लीजिए। तो यहाँ पर क्या लेंगे, एफ ए ई इंटू ये कितना हो गया आपका, सॉरी, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये बी के अबाउट लिए हैं तो ये डिस्टेंस आर ए वाला जाएगा एक, और एक ये जा रहा है, तो ये और ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों हमें चाहिए, ये जो है हमें दोनों चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ए बी इंटू 3√3, रूट थ्री क्या 1/√3 साइन 60 डिग्री, ठीक है, ये ले लिए, और ये कितना है 3.75
ये 3.75, ये 3.75 इंटू क्या है 9 डिस्टेंस, तो यहाँ से आपका एफ ए निकल सकता है। एफ ए यहाँ पर आप सॉल्व करके देखेंगे तो ये आपका आ रहा होगा अप्रोक्सीमेटली 6.5 न्यूटन। तो एफ ए भी आपका निकल गया, एफ ए जो है कितना निकल गया 6.5। ये सब किलो न्यूटन में जा रहा है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये वाला आंसर सब किस में दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, 6 किलो न्यूटन में, ठीक ना। अब यहाँ पर कौन सा सेक्शन पकड़ेंगे, ये 2-2 वाला, ठीक ना। अब 2-2 वाला सेक्शन जब देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसका हम फिगर बना रहे हैं, तो दोनों एक साथ रखना तो थोड़ा संभव नहीं हो पाता है, ठीक ना। तो हम यहाँ पर बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये आपका ए पॉइंट था, ए पॉइंट था, ए से एक इधर गया था और ये बी वाला इधर गया था, ये पॉइंट बी था, ठीक ना, ये बी था और यहाँ पर ये हो गया और ये हो गया 3.75, ठीक है। और ये डिस्टेंस आपको मालूम था, कितना निकाले थे 4.5। और अब जो आप सेक्शन लिए हैं वो कौन सा सेक्शन लिए हैं, ये सेक्शन लिए हैं 2-2, ठीक है, 2-2 सेक्शन लिए हैं। बेसिकली दिस सेक्शन लाइन कट्स दी मेंबर, कौन कौन सा, ये बी और इधर क्या है सी, तो बी सी को कट किया, फिर बी ई जो यहाँ पर ई पॉइंट था, देखिए यहाँ पर ई को भी कट किया है कि नहीं, बी ई को, बी ई को भी कट किया, ठीक है, और ए ई को भी कट किया है, देखिए यहाँ पर ए ई को भी कट किया है। तो इसमें जो है आप देखेंगे तो ये फोर्स ए ई में तो मालूम है आपको, ठीक है ना, ये हमने निकाला है ए ई का फोर्स, बाद बाकी ये आपका बी सी और बी ई दो नहीं मालूम है, दो नहीं मालूम है, दो ही तो अननोन है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्या लिखेंगे, ठीक है ना, अब ये यदि समझ में आ गया हो आपको तो आगे बढ़ सकते हैं, क्या लिखेंगे, कंसीडरिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ लेफ्ट पार्ट ऑफ दिस सेक्शन, ठीक है ना, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, क्या लिखेंगे, ये थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा, टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, जब ए के अबाउट हम मोमेंट लेते हैं तो क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू बी ई, फोर्स इंटू बी ई और इसका कंपोनेंट होगा, कंपोनेंट क्या है 6 cos 30 degree और प्लस प्लस क्या हो जाएगा इसका जो है ये 4.5 और ये कितना लग रहा था 5, तो 5 into 4.5 इक्वल टू क्या 0। एफ बी ई निकल जाएगा क्या आपका, एफ बी ई आप सॉल्व करेंगे तो -4.3 आ रहा है, तो ये एफ बी ई भी निकल गया आपका, क्या निकल गया एफ बी ई निकल गया कि नहीं, कितना निकला -4.33 किलो न्यूटन, ठीक ना। आप ध्यान दीजिए सब कैसे निकलते जा रहा है, एफ बी ई निकल गया, ठीक ना, और यहीं पर जो है यहीं पर अब आप ई के अबाउट मोमेंट ले सकते हैं, अभी तो ए के अबाउट लिए थे तो बी ई निकल गया, अब ई के अबाउट मोमेंट लेंगे तो ये बी सी निकल जाएगा, ठीक है ना, टेकिंग मोमेंट अबाउट क्या ई, ई के अबाउट जो है अब आप ले लीजिए, तो ई के अबाउट जब आप लेते हैं टेकिंग मोमेंट अबाउट ई, तो ई के अबाउट जो है क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर फिगर से सब कुछ क्लियर होना चाहिए, F इंटू बी सी, यही तो निकालना भी है, F इंटू बी सी और इसका दो कंपोनेंट पहले क्या ले लिए थे हम 6 cos 30 एफ बी के लिए लिए थे कि नहीं, ठीक ना, अब ये क्या हो जाएगा साइन कंपोनेंट, तो एफ बी सी इंटू 6 sin 30 degree प्लस 3.75
इंटू सिक्स और इक्वल टू क्या हो जाएगा, बैलेंस कौन कर रहा है, फाइव, फाइव इंटू कितना हो जाएगा 1.5, ये वाली डिस्टेंस, ये 1.5 आप निकाल करके देख लीजिए। तो यहाँ से एफ क्या हो जाएगा, बी सी निकल गया आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट हियर -5, मतलब यहाँ पर एफ बी सी जो है निकल गया -5 किलो न्यूटन। तो एफ बी सी भी निकल गया, एफ बी ई निकल गया, अब बचा क्या है एफ सी ई। अब एफ सी ई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सेक्शन 3 ले लें, थर्ड नंबर सेक्शन, ठीक ना। अब देखिए यहां पर टेकिंग सेक्शन 3 3, अब थर्ड सेक्शन जब आप लेते हैं तो किस तरह का डायग्राम बनेगा आपका, डायग्राम तो यही रहता है ऑलमोस्ट, हम सिर्फ एक पार्ट छोड़ देते हैं। तो देखिए यहां पर ये आपका क्या है, और ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, ठीक है। और इसमें जो है आपका जो सेक्शन है वह ये है, यही थर्ड सेक्शन है कि नहीं, ठीक ना। ये आपका ई है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, इसके ऊपर फाइव लग भी रहा है 5 किलो न्यूटन, और ये सारे फोर्सेस आपको मालूम है, ठीक ना। अब आपको अच्छा ये सी है और ये बी और सी, तो एफ बी सी भी मालूम है आपको, ये जो एफ सी ई निकाल देना है बस, एफ सी ई। अच्छा ये भी तो डी है इधर कहीं, तो एफ डी ई, तो ये दो अननोन हो रहे हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दो अननोन हो रहे हैं। तो क्या इस दोनों अननोन को ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं सर। तो यहाँ पर पहले जो है हम लोग लेफ्ट पार्ट को लेते हैं और जस्ट टेकिंग द मोमेंट अबाउट डी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर टेकिंग मोमेंट अबाउट डी, देखिए जब हम मैकेनिक्स में शुरू में मोमेंट का कॉन्सेप्ट बताते रहते हैं ना, कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट, ये लेक्चर नंबर आई थिंक 4 या 5 में है, तो उस समय कई बार क्वेश्चन करते हैं बच्चे कि सर इतना सारा कोर कॉन्सेप्ट क्यों बता रहे हैं, इतना अंदर जाकर क्यों बता रहे हैं, ये मोमेंट का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर आपको इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर पी सी ई, इसका एक कंपोनेंट डी के अबाउट ले रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो इसका खत्म हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट जरूर आएगा, इनटू क्या हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि ये 60 है, ध्यान रखिएगा ये भी 60 है, साइन 60 प्लस क्या हो जाएगा एफ और ये क्या बी सी, एफ बी सी इंटू क्या 6, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 6, यहाँ से आप कहीं से भी इसको तोड़ेंगे, ठीक ना, तो ये लेंथ कितना आ जाएगा 6 एफ बी सी, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से आप एक डिस्टेंस गिराएंगे ना, ये डी से आप कहीं भी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल से ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो ये 6 आएगा, और इसलिए भी आप निकालेंगे क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल यदि 60 थी, ये 6 है तो ये भी 6 ही होगा, इसका इधर वाला भी साइड क्या होगा 6 ही होगा, और प्लस 3.75 ये वाली, ये तो लग रहा है ना 3.75 इंटू कितना 12 और इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो गया, अब इधर वाले में ये 5 इंटू 5 का डिस्टेंस कितना होगा दोस्तों, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना था इधर 4.5, तो 12 में 4.5 माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा 7.5, टोटल 12 है, ये 4.5 था आप निकाले हुए हैं ना 4.5, ये ए बी डैश, ठीक है, ये आपने 4.5 इधर से निकाले हुए हैं, ठीक है ना। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, इसको अब आप सॉल्व करेंगे, कर सकते हैं सॉल्व। तो इसमें ये एफ है एफ सी ई, ठीक है ना, तो अब आप देखें कि एफ सी ई तो निकालना ही है, और एफ बी सी मालूम है आपको, हमने क्वेश्चन में भी लिख दिया एफ बी सी -5 अभी निकाले थे, ठीक है ना, देख लीजिए यहाँ पर ये एफ बी सी आप निकाले हुए -5, तो यहाँ सब वैल्यू आप रखेंगे तो फोर्स इन सी ई जो है निकल करके आ जाएगा, और ये फोर्स इन सी ई जो निकल करके आएगा
दैट विल बी कितना होगा ये फोर्स इंटू सी ई, फोर्स इंटू सी आपका निकल करके आएगा 4.33। तो ये फोर्स इन सी ई जो है, फोर्स इन सी ई जो निकल करके आया 4.33, तो फोर्स इन सी ई निकल गया, ठीक है। अब बचा क्या है, फोर्स ई डी, फोर्स इन ये ई डी। अब यहाँ पर दो तरीका है, एक सेक्शन फोर ले लेंगे तो यहाँ से भी आसानी से निकल जाएगा। देखिए हम लेते हैं टेकिंग सेक्शन 4-4। अब ये 4-4 सेक्शन दिख रहा है ना आपके सामने, यहाँ फिगर बनाते हैं, ये दिस और ये दिस कितना हो गया आर डी, और ये कितना हो गया, ठीक है ना। अब ये आपको निकालना है, यही सेक्शन क्या है आपका 4 है, और ये क्या है डी है, ठीक है, और ये कितना है 60 डिग्री, ठीक है ना। और यहाँ पर एफ डी ई और एफ सी डी, ठीक है ना, दिख रहा है एफ डी ई। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं कि बड़े ही प्यार से आप मोमेंट लेते हैं, ठीक है ना। कौन सा मोमेंट लेते हैं, देखिए एक तो यहाँ पर आपने मोमेंट अबाउट डी लिया था, और मोमेंट अबाउट सी भी ले गए तो भी आपको यहाँ से निकल सकता है क्या है, ये आपका सी डी, सी डी निकालने के लिए आप, सॉरी डी ई निकालने के लिए आप सी के अबाउट मोमेंट ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए हम लेकर के बता ही देते हैं, टेकिंग मोमेंट अबाउट सी, सी के अबाउट आप मोमेंट लेंगे तो क्या होगा दोस्त, ये पी डी ई यही हमको निकालना है, फोर्स इन डी ई, ठीक है ना, फोर्स इन डी ई इंटू क्या हो जाएगा 6 sin 60 degree प्लस क्या हो जाएगा 5, ये वाली 5, डिस्टेंस कितना होगा बताइए 4.5, और इधर आधा चले जाएगा, देखिए ये 4.5 तो ये 1.5 बचा, और इधर क्या हुआ 3, आधा आधा, तो 3 और 1.5 कितना होगा 4.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.75, ये वाली इंटू 9, सी से ये वाले डिस्टेंस जो है पूरा, ये वाले डिस्टेंस यहाँ पर पूरा, यहाँ से यहाँ तक ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना है 9, तो यहाँ से अब देखिए तो एक ही बचा कि नहीं, तो एफ डी ई भी आप निकाल सकते हैं यहीं से, और एफ डी ई आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा आपका 2.16 आ गया। तो एफ डी ई आपका निकल गया, एफ डी ई डी ई कितना निकला 2.16 निकल गया, 2.16 निकल गया कि नहीं। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट एक बचा है एफ इंटू ई डी, तो इसके लिए हम ये ले रहे थे एफ डी ई सेक्शन 4-4। अब कोई भी पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट ले लीजिए, ठीक है। तो जस्ट वी टेक मोमेंट अबाउट पॉइंट ई फॉर टू कैलकुलेट एफ डी ई, ठीक है ना। अब ये वर्टिकल वाला ले करके निकालना पड़ेगा, सॉरी एक सेकेंड, एफ डी ई तो यहाँ निकल गया ना, बचा क्या एफ सी डी, एफ सी डी तो एफ ई के, और यदि एफ सी डी निकालना रहता तो ई के अबाउट मोमेंट लेते, ठीक है। तो अब हमें जो है क्या निकालना है, सी डी निकालना है। यदि ये निकालना रहता तो इसके अबाउट मोमेंट लेते, और ये निकालना तो इसके अबाउट ले लेंगे। तो टेकिंग मोमेंट लास्ट ही है, ध्यान दीजिएगा, टेकिंग मोमेंट अबाउट सी। अब सी के अबाउट मोमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ सी डी, सॉरी ई के अबाउट ले रहे हैं ना, ये निकालना है, पी एफ डी ई निकाल चुके हैं, ध्यान रखिएगा, बार बार वही दिमाग आ रहा है, क्योंकि हम चूंकि पहले मूड बनाए थे कि यहाँ से निकालना है, इसलिए तो कोई बात नहीं, एफ सी डी इंटू क्या हो जाएगा 6 sin 60 degree, ठीक है ना, प्लस 3.75 ये वाली आर डी इंटू क्या 6 डिस्टेंस, ई से कितना डिस्टेंस है यहाँ पर, ई तो मिड पॉइंट पे है ना, तो ई से 6 डिस्टेंस, ठीक है, और इक्वल टू क्या 0। तो यहाँ पर से एफ सी डी निकालेंगे आप
ये माइनस में आएगा और माइनस में 4.33 आएगा आई थिंक। तो ये एफ सी डी जो है आपका, एफ सी डी जो है माइनस 4.33। तो अब आप देखिए कि सारे उसमें निकल गया कि नहीं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप देखिए, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को 4 नंबर ऑफ सेक्शन में बांटे हैं, ठीक है ना। फिर हम मोमेंट लिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मोमेंट जो लेंगे, ये जो हमारा लेक्चर नंबर था 24, तो ये ध्यान दीजिए, लेक्चर नंबर 24 में हमने आपको शुरू किया था मेथड ऑफ सेक्शन पढ़ाना। इसमें सिर्फ यही है कि तीनों लेना पड़ेगा, लेकिन इस दो की जरूरत कहाँ पर है, ये सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए। और मोमेंट आपको अप्लाई करते जाना है अपोजिट डायरेक्शन में, कैसे आइए देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका फर्स्ट ही है मेथड ऑफ सेक्शन में, इसको हम सेक्शन वाइज बांट दिए हैं, ठीक है। पहले सपोर्ट रिएक्शन निकाल लिए सिग्मा हॉरिजॉन्टल और सिग्मा वर्टिकल करके। ये थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा डिस्टेंस निकालने के लिए, क्योंकि मोमेंट निकालना है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हमने लिया सेक्शन जो है ये, अच्छा कोई भी सेक्शन जब लेंगे ना, तो इस तरीके से कि वहाँ पर दो से ज़्यादा अननोन ना हो, या ज़्यादा से ज़्यादा तीन, उससे ज़्यादा तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो ये हम सेक्शन फर्स्ट लिए, अब मोमेंट लेंगे, ठीक है ना। तो मोमेंट देखिए यहाँ ई के अबाउट मोमेंट लिए हैं, तो ये वाला सेक्शन जीरो, ये वाला जीरो, तो ये क्या निकल जाएगा, ए बी का निकल जाएगा। तो ये देखिए एफ ए बी का निकल गया। फिर ए ई का भी हम निकालें, ए ई का निकालना है तो बी के अबाउट मोमेंट लेंगे, ठीक है, क्योंकि इस ई के अबाउट लेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर हम सेक्शन टू लिए हैं, ठीक है ना। तो ये ए बी आपका निकल गया, ए ई निकल गया। सेक्शन टू में देखिए बी ई फंस रहा है और बी सी फंस रहा है, तो दो ही अननोन हुआ कि नहीं, ठीक है। तो फिर हम ये बी सी निकालने के लिए मोमेंट क्या ले सकते हैं, ई के अबाउट, और जो है ये बी ई निकालने के लिए मोमेंट किसका ले सकते हैं, सी के अबाउट, ठीक है ना। तो इस ए के अबाउट भी आप मोमेंट ले सकते हैं, सी के अबाउट भी ले सकते हैं ये निकालने के लिए, ठीक है। ये निकालने के लिए ई के अबाउट आपको मोमेंट लेना पड़ेगा, ये हमने लिया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेक्शन टू टू ले लिए है। उसके बाद जब सेक्शन थ्री थ्री में जाते हैं, ठीक है ना, ये सेक्शन थ्री थ्री में, तो ये देखिए अब इसमें जो पता चल चुका है वो तो ठीक है, जो नहीं चल चुका है तो अब इसमें बी सी मालूम चल चुका है, लेकिन ये सी ई नहीं मालूम है और ई डी नहीं मालूम है। तो ई डी निकालने के लिए सी के अबाउट आप मोमेंट ले सकते हैं, और सी ई निकालने के लिए आप बी के अबाउट मोमेंट ले सकते हैं, ठीक ना। तो अभी हमने देखिए डी के अबाउट मोमेंट लिया है और फिर ये सी के अबाउट मोमेंट लिया है, तो ये दोनों से डी ई निकल गया, सी के अबाउट लिए हैं तो डी ई निकल गया है। और जब हम डी के अबाउट लेंगे तो हमारा सी ई निकल गया है। उसी तरह से ये सेक्शन फोर फोर, अब सब कुछ निकल गया, बच क्या गया है आपका, ये आपका सी डी। सी डी के लिए आप न सी के अबाउट ले सकते हैं न डी के, बचा क्या, ई, जो नज़दीक वाला होगा हमेशा उसी से लेंगे, हमेशा नज़दीक वाले से ही लेंगे, ठीक है। तो ये ई के अबाउट आप ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये वैल्यू निकल जाता है। अब आप देखेंगे तो आप इसको टेबुलर वे में भी लिख सकते हैं कि किस फोर्स में किस मेंबर में कितना फोर्स है और उसका नेचर क्या है। जैसे माइनस है तो कंप्रेसिव, प्लस है तो टेंसाइल, और हम तो हमेशा ही प्लस लेकर के चलते हैं, आता माइनस है तो हम समझ जाते हैं कि यदि हम जो लेकर के चले थे वही आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो है हम टेंसाइल लेकर के चले थे, प्लस लेकर चले थे तो जो सोचे थे वही है, लेकिन माइनस आ गया, इसका मतलब हम भले टेंसाइल सोचे थे लेकिन एक्चुअल में हुआ है क्या, उस मेंबर में फोर्स कौन सा लग रहा है, कंप्रेसिव लग रहा है, ठीक है। तो आई होप कि ये मेथड ऑफ सेक्शन जो है आप समझे होंगे, क्योंकि मेथड ऑफ सेक्शन अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, और तब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर लिख देता है कि यू हैव टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ सेक्शन।
ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, विश यू ऑल द बेस्ट, बी वेरी हैप्पी, हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।